आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, राजस्व मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी के साथ में प्रदेश की संपूर्ण की समीक्षा की गई। वो सुबह स्वयं जाना चाहते थे, पर जैसे हमारे फोर्स के हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान नहीं भर पाए, ऐसे मौसम साफ न होने के कारण से वो नहीं जा पाए। अभी भी मौसम साफ होने का ग्वालियर चंबल में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मंत्रिपरिषद को भी विस्तार से इसकी जानकारी दी। 200 गांव भी हमारे बाढ़ से आंशिक और अधिक रूप से 22 गांव प्रभावित हैं। उन्होंने कल रक्षा मंत्री से बात करके सेना के हेलीकॉप्टरों की बात की थी। एनडीआरएफ की सभी टीमें पहुंच गई हैं, 1600 लोग रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। अधिकांश लोग निचले स्थानों से ऊपर के स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं। जो ऊपर के स्थानों पर हैं, वहां जिला कलेक्टरों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, भोजन के पैकेट की बात की जा रही है। बीची गांव में जो 3 लोग पेड़ पर हैं, शिवपुरी जिले में, रेस्क्यू जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, सबसे पहले उनका किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया है। आज कैबिनेट के अंदर 7 तारीख से होने वाले एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न जल कल्याण योजना का भी विस्तार से बात हुई। सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में रहेंगे, लगातार समीक्षा करते रहेंगे। प्रदेश के अंदर 25,435 दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। 25,435 ही नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कलेक्टर को हर जिले का प्रभारी बनाया गया है। इन दुकानों का मंच, माइक, टीवी, अन्य व्यवस्थाएं सारी हमारे कार्यकर्ता बंधु नोडल अधिकारी देखेंगे। एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों को अन्न का वितरण नहीं होगा। जिन 100 का होगा उन्हें भी पहले से चिन्हित किया जाएगा। आज एक विषय पर मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी भी व्यक्त की, जो कर्मचारी लोग अर्धनग्न होकर और वैसे प्रदर्शन करते हैं, सास की सेवक होते हैं और ऐसा कृत्य करते हैं। अनुशासनहीनता की परिधि में आने वाला कोई भी आंदोलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण आबकारी अधिनियम का हमारा प्रकरण आया है, जिसमें हमारी आबकारी नीति में वाणिज्य कर विभाग का है। प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित बढ़ रही हैं, उसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का आज अंतिम। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावार था, उसे आजीवन कारावार किया गया है। मृत्यु दंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसी तरह से एक उसमें जो एक न्यूनतम 1 वर्ष की सजा थी, उसे 6 वर्ष, 1 से 6 साल तक की थी कारावास और जुर्माना था, उसे बढ़ा के 10 से 14 साल किया है। ये जो है वो है जो अपमृत अनुपयुक्त मदरा सेवन से शारीरिक क्षति जिन्हें हो जाती है, और 10 लाख का जुर्माना किया है। और एक जो अपमृत मिश्रा मदरा मिल जाती है, उसको भी पहले 6 माह से 4 वर्ष था, उसे बढ़ा के 6 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया। ऐसे अनेक इसमें गंभीर किस्म के हैं। जो अपमृत मदरा है उसको अनुपयुक्त पाए जाने पर पहले कुल 2 माह से 6 माह तक का था, उसको बढ़ा करके अब 6 वर्ष तक का किया है 6 माह से। इसी तरह से अपमृत मिश्रा सेवन से शारीरिक क्षति हो जाती थी, वो पहले 2-4 माह से 4 वर्ष था, उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया।
ऐसे हर श्रेणी के धारा 49 के जो मामले थे, धारा 4 में तो हमारा जो नई हेरिटेज मदरा है वो लिया है, और 49 ए में ये कंडक्शन 4-1, 4-2, 4-3 में इस तरह के मामले लिए गए हैं, जिससे कि ये अवैध काम करने वाले हतोत्साहित हों और लोगों की जान के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। इसके लिए आबकारी अधिकारी पद को भी अधिसूचित किया करने का इसमें डाला है कि इसके अंतर्गत जो लोग निष्पादन में बाधा डाल देते हैं, बीच में शराब पकड़ने जाते हैं तो हमला करते हैं, उनको भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का इसके अंदर डाला गया है। एक अन्य निर्णय में MSME विकास नीति 2019 में प्रोत्साहन योजना का भी इसमें संशोधन किया है। इसमें सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों को नए सिरे से वर्गीकरण किया गया है। 10 करोड़ के निवेश प्लांट में और 5 करोड़ तक के निवेश उपकरणों में करने वाली इकाइयां MSME के दायरे में आती हैं, उन्हें शामिल किया है। और नवीन वर्गीकरण अनुसार अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक के प्लांट एवं मशीनी उपकरणों में निवेश करने वाली और अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां MSME के अंतर्गत अब आ गई। आज डायल 100 सेवा के द्वितीय चरण के लिए भी आज प्रस्तावित आया था, उसे अब 2000 पहले 2020 से 25 था, उसे बढ़ाकर 2021 से 27 तक की अवधि के लिए करने का भी आज वित्तीय स्वीकृति के संबंध में दी गई है। जो हमारे यहाँ एक ओबामा रिफाइनरी बीमा के सहयोग से 1000 बिस्तरीय अस्थाई कोविड अस्पताल का निर्माण और संचालन है, जिसमें प्रथम चरण में 200 बिस्तरीय कोविड अस्पताल 6 माह के संचालन की अनुमति दी गई है। 4.21 करोड़ की लागत से अस्पताल तक पहुंच मार्गों का निर्माण के लोक निर्माण को भी इसमें लिया गया है। पेयजल सुविधा के लिए भी 1.41 करोड़ लिया गया है। शेष अधोसंरचना के लिए 7.10 करोड़ रुपया और 200 बिस्तर ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए 75 लाख रुपए की अनुमति प्रदान की। विकास खंड चितरंगी जिला सिंगरौली में ITI की स्थापना के लिए आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। हमारे यहाँ 313 विकास खंडों में से 210 विकास खंडों में 243 ITI संचालित है। अब प्रदेश के 103 विकास खंडों में एक भी सरकारी ITI नहीं है, उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से ये प्रारंभ किया है। उसमें चितरंगी का विकास खंड सिंगरौली आता है। धीरे धीरे प्रदेश के सभी स्थानों पर ये खोलना है। इस ITI की स्थापना आगामी 5 वर्षों में 18 करोड़ 43 लाख की अनुमानित व्यय की भी अनुमति दी है। कुल 6 ट्रेड्स के लिए भवन छात्रावास निर्माण पर 12 करोड़ 63 लाख का रुपए की अनुमति दी है और कुल 30 पदों के सृजन के लिए भी 1 करोड़ 95 लाख की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधक विधेयक 2021 अधिनियम 1991 में आज संशोधन किया गया है। इस विश्वविद्यालय में 1951 की धारा 1/1 में उपबंधित है। कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों, प्रदेश के 5 अन्य विश्वविद्यालयों तथा 2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय का कुलपति कार्य परिषद बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अतः तदनुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में भी कुलपति को कार्य परिषद बोर्ड का अध्यक्ष घोषित करने के संबंध में आज निर्णय लिया है।